बिहाइंड। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और मेरे साथ राशिद लतीफ मौजूद हैं जी। और आज वालेकुम सलाम। और आज कराची किंग्स की शर्ट उतर चुकी है क्योंकि इनको भी हकीकत जो है वो अफशां होती नजर आ रही है। अब टाइम दे अभी पहन के आ जाता हूं। और दूसरा ये है कि इंजमामुल हक साहब को आज ये लग रहा है कि काफी डिफेंड कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की अजीब और गरीब एक टीम का की अनाउंसमेंट हुई है। वो लड़के जिनको आज से 6 महीने पहले खेलना चाहिए था वो अब अनाउंस हुए हैं, और जिनको अब होना चाहिए था उनको हमने रेस्ट करवा दिया। इस पर बात करेंगे राशिद। लेकिन आज जो मैच था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, जी, एक तो उस्मान ख्वाजा प्लेड मैग्निफिसेंटली वेल कॉन्ट्री टू एक्सपेक्टेशन, वनडे में उन्होंने 104 किया और आपकी सुन ली एरॉन फिंच ने, और उन्होंने आज शानदार बल्लेबाजी की, 93 रन कर दिए। ग्लेन मैक्सवेल ने आगे 3 चौके 3 छक्के लगा के 47 किया। 313 वॉज नॉट एन इम्प्रेगनेबल टारगेट, लेकिन फिर विराट कोहली की 41st 100, 41 रन का ये 100 था, और उनकी 60 की वनडे में एवरेज हो गई है। 1016 चौके वो लगा चुके हैं, 118 छक्के उनके वनडे करियर में शामिल है, 289 वनडे नेशनल, और ये 14वीं सेंचुरी है उनकी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के बाद से। सेंचुरी छोड़ दे, वो हर दूसरे मैच में सेंचुरी करते हैं। हाँ, ये मतलब 14वीं सेंचुरी। और ब्यूटी आप देखें कि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के 11 सेंचुरियां पूरी टीम की हैं इस दौरानिए में, पाकिस्तान की 10 सेंचुरियां पूरी टीम की हैं इस दौरान, 7 सेंचुरियां श्रीलंका की हैं, लेकिन ये अकेले विराट कोहली की 14 हैं। डिटेल में बात करें, इनको रोकें। देखिए, मेरे ख्याल से आज के मैच में पिच थोड़ा सा, जो मैं सुबह ही देखा था, दोपहर में जब मैच शुरू हुआ, थोड़ी सी नजर आ रही थी कि टू पेस पिच है। इस पिच पे मेरे ख्याल से पहले बैटिंग करनी बनती थी, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने इतना लंबा टारगेट दे दिया 313। ये तो ज्यादा भी बन सकते हैं। वो मैक्सवेल का रन आउट जो धोनी और जडेजा ने मिलकर किया 47 पे, वो आउटस्टैंडिंग था। बहुत कम नजर आते हैं ऐसे रन आउट, और वहां से मोमेंटम चेंज हो गया। आप कह रहे हैं ड्यूल पेस विकेट थी, तो जादेव को भी और जडेजा को कुट तो बहुत लगी है। देखिए, मैं तो अक्सर ये बोलता हूँ कि फिंगर स्पिनर्स का दौर अब खत्म हो रहा है, कहीं कहीं काम आ जाते हैं। देखिए, चाहल के होते हुए जडेजा की जगह नहीं बनती। अब ये वर्ल्ड कप में किसको लेके जाएंगे? 3 स्पिनर जाते हैं, 4 जाते हैं, 2 जाते हैं। देखिए, 10 ओवर में उन्होंने 64 रन दिए, और मेरे ख्याल से 15 से 20 रन ऐसी इंडियन पिच के ऊपर ज्यादा है ये। फिर जादेव ने 2 ओवर में 32 रन दिए, तो ये 40 से 45 रन का फर्क तो यहीं पे हो गया कि दोनों फिंगर स्पिनर्स थे जिनकी वजह से रन ज्यादा बने, और ऊपर से बुमराह ने आज आउट नहीं किए, या शामी ने ऊपर से आउट नहीं किए। 193 की पार्टनरशिप जब हो जाए उसके बाद कुछ भी नहीं बचता। इनकी बड़ी बात है कि 313 तक रिस्ट्रिक्ट किया, और वहीं तक 313 से ज्यादा हो जाते तो बड़े जल्दी मैच हार जाते। एक ही प्लेयर खेल नजर आया, विराट कोहली, जो हर मैच में नजर आता है। अब परेशानी की बात जो इंडिया के लिए वो नजर आ रही है, वो शिखर धवन है। शिखर धवन के अलावा अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा भी पैचेस में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सारा लोड किसके ऊपर आ गया? विराट कोहली पे। वो भी अगर आउट नहीं होते, ये मैच अकेले निकाल के चले जाते। अच्छा, राशिद भाई आप हैरान होंगे, 289 मैचेस और 10,817 रन हो गए कोहली के। नहीं, वो तो उसका तो देखे ना, मैच पे बात कर लेना। कोहली तो जो कर रहा है वो तो इससे पहले नहीं हुआ ना, चाहे जो जो भी नाम आ जाए, इससे पहले नहीं हुआ। ये डिजिट्स में ये बढ़ते चले जाएंगे। उसके इंडिया की विन में उनके 33 सेंचुरीज हैं वनडे, तो वो तो निकाल दें। लेकिन जहां मिस्टेक हुई है, हम उसकी बात कर रहे हैं क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, तो यहाँ पे रविंद्र जडेजा नोरा अच्छे फील्डर है, ये बैटिंग की वजह से खिला रहे हैं या बैटिंग ऑलराउंडर रहे नहीं, मैं जहां तक समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। क्योंकि अगर रोहित शर्मा को देखें, 47-48 की एवरेज इनकी है, 45 की है धवन की एवरेज है, कोहली की 60 की एवरेज है, रायडू की 48 की एवरेज है, धोनी की 50 की एवरेज है, 44-45 की जादेव की है, फिर शंकर की है 45 की एवरेज। तो इतने 7 बैट्समैन जो है, इनका इतने जबरदस्त रिकॉर्ड है, तो
जो बॉलर जहां पे प्रॉब्लम आ रही है आपको उस बॉलर को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे जितने भी ऑस्ट्रेलियन है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीकन रिस्ट स्पिनर से घबराते हैं। अगर चहल अगर दायरे में आ जाता है या बीच में आता है तो वो आउट करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। जिस तरह से जैम्पा ने आज बॉलिंग की है, टू पेस पिच थी इसलिए पता नहीं चल रहा था, तो आज मेरे ख्याल से थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंड, मतलब कि आप समझे कि विकेट को रीड नहीं किया, पिच को सही रीड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनको पहले बैटिंग करने के लिए थी और शाम को बॉल थोड़ा सा हिलती भी है और इनके नीचे भी कुछ बॉलें नीचे रही जो पैड्स पे आके लगी, लेग फोर भी हुए, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ भारत को। लेकिन कमिंस रिचर्डसन और जांपा ने बहुत अलग गेम किया, तेज की तीन, अब ये कर रहे हैं तीन विकेटों पे। जहां पे लूज बॉल की विराट कोहली को, इन्होंने दो दो चौके मारे एक ओवर में। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था जब वो आउट हुए उस ओवर में जैम्पा को दो चौके मारे थे, उस वक्त ऐसा लग रहा था ये पांच ओवर पहले ही खत्म करके चले जाएंगे, लेकिन वो आउट हो गए। बॉल मतलब हर बॉल पे जब मारने लगे तो वो बॉल ऐसी जगह गिर गई जो ब्लाइंड हो गए और बॉल निकल गई और बोल्ड हो गए, वरना तो मेरे ख्याल से वो आराम से मैच फिनिश कर सकते थे। लेकिन अच्छा लर्निंग क्या, जो मिस्टेक की है इनको अगले दो मैचेस के अंदर नहीं करनी होगी। राशिद अब जरा एक साइड तो हमने इंडिया की देख ली ना, कि आपने कहा टॉस क्रूशियल फैक्टर था, डिसीजन ठीक नहीं हुआ, फिर आपको सिलेक्शन जडेजा की सिलेक्शन पे थोड़ा सा, जडेजा वैसे हमेशा से फेवरेट रहे हैं, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है उनकी, दो ट्रिपल सेंचुरी है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। अच्छा अब हम आगे चलते हैं, मुझे बताएं ऑस्ट्रेलिया भी तो आउटस्टैंडिंगली खेल रहा है यार, उनको भी तो कोई क्रेडिट देते हैं। देखिए वो तो अपने होम ग्राउंड पे तो नहीं है ना, इंडिया तो होम ग्राउंड पे खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया को पिछला मैच भी जीतना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया आजकल ना अपने होम से बेहतर इंडिया में खेल रहा है, क्योंकि मोस्टली जो प्लेयर्स हैं ये आईपीएल का हिस्सा रहते हैं और काफी अरसे से खेलते हैं, इनको आइडिया है। तो फिर उस्मान ख्वाजा का इंक्लूजन जो हुआ है वनडे में, जब टेस्ट सीरीज अच्छी खेली उसके बाद से, वो भी एक फैक्टर रहा है। आज जो इनका 300 रन बने, फिंच वापस आए हैं अपनी फॉर्म में, जो कि लेकिन फिर भी स्ट्रगल किया, उनके DRS मांगा, उनके पाँव पे लगी बॉल मिस कर रही थी, लेकिन शुरू में अर्ली ऑन उन्होंने फिर स्ट्रगल किया, उनके पाँव पे बॉल लगती है आके और काफी दफा लगी, शामी ने भी कोशिश की, लेकिन 193 रन बन जाए 30 ओवर 31 ओवर में, फिर तो मैच हाथ से तकरीबन निकल ही जाता है। लेकिन फाइट बैक अच्छी की कुलदीप यादव, एक दफा फिर उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की और जबरदस्त बॉलिंग की उन्होंने। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे देखिए, अगर वर्ल्ड कप जीतने जाना है तो तैयारी आपको बहुत अच्छी करनी है। जहाँ पे आपको नजर आ रहा है रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म अगर आ जाएंगे वर्ल्ड कप से पहले, या तो धवन, तो ऊपर सिर्फ आपके पास जो अब जो एक प्लेयर रह गया जो रन करने वाला, वो विराट कोहली है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आगे जाके इंग्लैंड की पिचेस ऐसी होती है, वहां पे ट्रू बैट के ऊपर आती है, तो इनके टॉप ऑर्डर हमेशा इंडिया ने डोमिनेट किया अपनी टॉप ऑर्डर से, और बीच में इनका बोनस है, प्लस पॉइंट है, विराट कोहली इनके पास है, वो एक शेयर इनको आज बैटिंग देखते हुए एक शेयर याद आ गया, अकेला ही चला था जाने पे मंदिर मगर कफला बनता गया, तो विराट कोहली की ये मिसाल हो गई है अभी। मुझे आप ये बताएं कि आपको नजर आ रहा है केएल राहुल वर्ल्ड कप में जाता हुआ, या थर्ड ओपनर मेरे ख्याल से केएल राहुल को होना चाहिए, अब इन्होंने जिनको रेस्ट कराया है वो, क्योंकि धवन के काफी मसाइल हैं, हालांकि वो इंग्लैंड का बड़ा प्रोलिफिक कवर करके आए। मैंने जो जहां तक देखा है ना, धवन बिग ओकेजन का प्लेयर है, मतलब लाइक आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, एशिया कप, ये अक्सर नाकाम होते हुए नजर आया है बायलैटरल सीरीज में, लेकिन जब भी मौका मिला है वर्ल्ड कप में इन्होंने परफॉर्म किया है। T20 वर्ल्ड कप देख लें आप, चैंपियन ट्रॉफी देख लें, या ये एशिया कप देख लें, तो ये प्लेयर्स जो इनके पास हैं, ये इनकी खास बात ये है कि ये निकालते नहीं है, हमारे ऐसा मसला हो जाता है टक करके बाहर कर देते हैं। हमारे यहाँ जरा रुक जाए ना, अब लेते हैं एक अदद, मुझे जरा आप थोड़ा सा टाइम देंगे? नहीं अभी मैं जरा वापस आ रही हूं, क्योंकि मैंने ये देखें ये स्लीव कर लिए ऊपर, नहीं थोड़ी सी बात करते हैं, नहीं थोड़ी सी और बात करना चाह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की। हाँ, करें। वार्नर और स्मिथ आ जाएंगे, फिंच ने रन कर दिए, अभी उस्मान ख्वाजा, अभी स्टॉइनिस, फिर मैक्सवेल, टीम ये भी बनती हुई नजर आ रही है, फिर मिचेल स्टार्क है, फिर कमिंग्स है, फिर हैजलवुड है। यार मुझे तो ये रिचर्डसन बहुत आला बॉलर लगा भाई,
रिचर्डसन भी अच्छे हैं, लेकिन ये बेंच स्ट्रेंथ मैं समझता हूँ कि मजबूत करेंगे, प्लेइंग में शायद अभी नहीं आए, क्योंकि मिचेल स्टार्क भी आएंगे और वो फॉर्म में आ जाएंगे, इंग्लैंड में काफी हेल्पफुल हो गए, व्हाइट बॉल थोड़ी सी। और स्मिथ और स्मिथ और वार्नर के बाद यू कैन नॉट काउंट मतलब ऑस्ट्रेलिया आउट, अरे ऑस्ट्रेलिया आउट नहीं होती, मुझे साउथ अफ्रीका का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, लग रहा है कि वहां पे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अभी आपको सबके सामने ही है कॉल पैक का जो चक्कर चल रहा है, कोई इंटरनल बहुत सारी चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से एबी डिविलियर्स छोड़ गया। तो बाकी हम बातें उसमें भी कर सकते हैं, बाकी आपको मुद्दा जो छेड़ना है वो छेड़े, थोड़ा रेस्ट कर लें, उसके बाद दोबारा आ जाए। मैं जरा मुद्दा छेड़ता हूँ, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि हमारे पास बेंच है या टीम है। ठीक है, आता हूँ वापस मैं। ओके, got banned.